हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत आसान सा निटिंग पैटर्न। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। और इसके लिए आपको चाहिए 4 के मल्टीपल में फंदे और प्लस 3, 4 के मल्टीपल प्लस 3, और 2 आप साइड के लिए रख सकते हैं। तो जब आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आपको 4 के मल्टीपल प्लस 3 चाहिए, और अगर आपको 2 फंदे साइड में चाहिए तो 2 आपको एक्स्ट्रा और डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहली लाइन है और सिर्फ 4 लाइंस का डिज़ाइन है। पहली लाइन है सीधी साइड में, तो इसके लिए देखिए 1 फंदा हम उतारेंगे। मैंने इसमें 4 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे डाले हैं, यानी कि 3 डिज़ाइन के लिए और 2 साइड के लिए। अब देखिए, 1 फंदा मैंने उतारा और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहली लाइन है सीधी साइड में, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, 1 फंदा हम इस तरीके से उतार देंगे बिना बुने। तो ये 4 फंदे का डिज़ाइन हो गया। फिर से 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, और 1 फंदा हम बिना बुने उतार देंगे इस तरीके से। यही 4 जो फंदे हैं आपको रिपीट करने हैं, 3 सीधे बनाने हैं और 1 फंदा आपने ऐसे उतार देना है। फिर 3 सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, और 1 ऐसे उतार देंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन को हम फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 उतारा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 ऐसे ही उतार दिया। अब लास्ट में आपके पास 1, 2, 3, जो आपने 3 एक्स्ट्रा डालने हैं वो ये हैं, और लास्ट में अगर 1 फंदा और होगा तो वो आपने सीधा बना लेना है। अब उल्टी साइड में देखिएगा, इसकी उल्टी साइड में देखिए, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सेकंड रो उल्टी साइड में, ये एज का फंदा है, इसको उतार देंगे, धागा पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, उल्टे नहीं बुनने हैं, 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं यहाँ से। यही बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब जो हमने उतारा फंदा है, उतारा हुआ, उसको हमने उल्टा बनाना है। 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, और उतारा हुआ फंदा उल्टा। 3 फंदे सीधे, उतारा हुआ फंदा उल्टा, यही आपने सेकंड रो उल्टी साइड में करते हुए जाना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो इसी तरीके से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, 3 सीधे और उतारा हुआ फंदा उल्टा बना के। लास्ट में 3 फंदे सीधे के बाद 1 उल्टा बनाएंगे, ये एच का फंदा अगर आपके पास होगा। अब तीसरी लाइन देखिए, सीधी साइड में तीसरी लाइन है, इसके लिए हम 1 फंदा उतार के 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, 1 उतार के 1 सीधा बनाया और 1 फंदा हम बिना बुने उतार देंगे। अब देखिए, जब बिना बुने उतारा उसके बाद से फिर से 1, 2, 3 फंदे सीधे बनाएंगे और 1 फंदा बिना बुने उतार देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 बिना बुने उतार देंगे। अब यही क्रम आपका लास्ट तक चलेगा, 3 सीधे, 1 बिना बुने उतार दिया, फिर 1, 2, 3 सीधे, 1 ऐसी उतार दिया, 1, 2, 3 सीधे और 1 उतार दिया। इसी तरीके से हम इस पूरी रो को बनाएंगे। थर्ड रो है सीधी साइड में, ये देखिए 1, 2, 3, 1 बिना बुने उतारा लास्ट में। उसके बाद जब आप बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद आपके पास एंड में 2 फंदे बचेंगे, तो ये आप यहाँ से सीधे बना देंगे। अब उल्टी लाइन देखिए, फोर्थ रो उल्टी साइड में, 1 फंदा तो उतारेंगे और जो हमने उधर से 1 फंदा सीधा बनाया उसको यहाँ से भी सीधा ही बनाएंगे। फिर आपका उतारा हुआ फंदा आएगा, उसको उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे और 1 उल्टा, इस तरीके से आएगा। ये देखिए, 3 सीधे और जो उतारा हुआ है उसको उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3 और 1 उल्टा, जो आपने उतारा है वो उल्टा आएगा इधर से, 1, 2, 3 और ये उतारा हुआ फंदा उल्टा। अब यही हम लास्ट तक करते हुए जाएंगे, 3 सीधे, 1 उल्टा। आपने बस स्टार्टिंग याद रखनी है। किसी भी डिज़ाइन को सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग और एंड याद रखना पड़ेगा हर लाइन का, तभी वो इजीली समझ में आता है।
ये देखिए लास्ट में आ गए, ये उतारा हुआ फंदा उल्टा बुना, उसके बाद आपके पास दो फंदे बचेंगे, उसमें से एक सीधा बनाएंगे और एच का फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यही चार लाइन आपने बार बार रिपीट करनी है, तो आपका डिज़ाइन ऐसे बदता हुआ जाएगा इस तरीके से। अब जैसे आप इसको ऊपर ऊपर बनाते हुए जाएंगे, ये और भी आपको क्लियर दिखेगा, और थोड़ा मोटी वूल डालिए तो मोटी वूल पे डालेंगे तो और भी अच्छा उभर के आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखेगा। तो फिर बनाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।